जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा एक बार फिर से विवादों में हैं। विवाद का कारण इस बार तुलसीदास जी हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए पूरी खबर हम आपको देंगे कि ये खबर हमको कहां से मिली है और तुलसीदास जी के कारण पंडित प्रदीप जी मिश्रा फिर से विवादों में क्यों हैं, तो ये तमाम सारी डिटेल आज हम आपको देंगे। बहरहाल एमपी ब्रेकिंग की इस खबर को आप ध्यान से पढ़िएगा, हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि एमपी ब्रेकिंग ने क्या लिखा है। एमपी ब्रेकिंग ने लिखा है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी तुलना तुलसीदास जी से की है और ये भी लिखा है साथ में कि ना केवल तुलना की है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ये जो टिप्पणी उन्होंने तुलसीदास जी को गंवार भी बताया था। और ये खबर एमपी ब्रेकिंग ने 2 अक्टूबर को चलाई थी जब मंदसौर में पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तुलना तुलसीदास जी से की और ये कहा कि हम तो साहब तुलसीदास जी जैसे गंवार हैं, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो बस शिव भक्ति में लीन रहते हैं, शिव कथा हम लोग कहते हैं। और ये एमपी ब्रेकिंग ने इसको 2 अक्टूबर को चलाया था। मेरी नज़र आज गई उस पर और मैंने सोचा, गहन चिंतन किया कि क्या ये विवाद का कारण हो सकता है। मैंने और वेबसाइट पर इसे खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे और वेबसाइट पर ये नहीं दिखी ये खबर। एमपी ब्रेकिंग ने इसको चलाया था और उसके अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने तुलसीदास जी को गंवार बताया है। और इस पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुलसीदास तो महान थे, उनको गंवार कैसे बोला जा सकता है, उनको गंवार क्यों बोल दिया पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, ये तमाम सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, विवादों का कोई ठोस कारण होना चाहिए। किसी प्रसंग में अगर उन्होंने कहा है तो वो पूरा प्रसंग आप लोग दिखाएं। आधा अधूरा ज्ञान बांट करके पंडित प्रदीप जी मिश्रा का विरोध करना कहाँ तक सही है, उनको जबरन में विवादों में खड़ा करना कहाँ तक सही है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कहाँ तक सही है। आप लोग कुछ भी मतलब जैसे तैसे उनको विवादों में लेकर आना है और कुछ खास कारण नहीं है इसका। किस प्रसंग में बोला था, प्रसंग क्या था, ये तमाम सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहिए लेकिन नहीं बताई गई। बस पंडित प्रदीप जी मिश्रा फिर से विवादों में आ गए हैं, उन पर लोगों ने आपत्ति ली है, मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे, टीआरपी बटोरने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी है मीडिया की। आप लोग मुझे भी इसमें लपेट सकते हैं, मुझे भी बोल सकते हैं कि मैं भी टीआरपी के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये खबर आज एक वेबसाइट पर छपी है, फिर दूसरी पे छपेगी, तीसरी पे छपेगी, चौथी पे छपेगी और फिर पंडित प्रदीप जी मिश्रा विवादों में आकर खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब इन्होंने तो तुलसीदास जी का भी अपमान किया है। देखिए, हम किसी मीडिया हाउस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम इतने बड़े भी नहीं हैं कि हम किसी मीडिया हाउस पर सवाल उठाएं। मीडिया बड़ी मेहनत करता है अपने कंटेंट को जुगाड़ने में, 4-4 घंटे कथा सुनी होगी इन लोगों ने, उसके बाद में ये कंटेंट मिला था उनको, उन्होंने छापा, हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनके पर्पस, उनके जो नज़रिए से जो है वो एकदम सही भी है कि भैया तुलसीदास जी को गंवार कैसे बता दिया। लेकिन तुलसीदास जी को गंवार नहीं बताया, उन्होंने कहा कि हम भी तुलसीदास जी जैसे हैं, हम भी गंवार हैं भैया, हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, तुलसीदास जी महान थे इसमें कोई शक नहीं है, रामचरितमानस उन्होंने लिखी थी, लेकिन कई सारे ग्रंथों में तुलसीदास जी ने खुद को गंवार बताया है कि मैं तो गंवार हूँ, कई सारे ग्रंथों में बताया है। रामचरितमानस उठाकर देख लीजिए, महान पंडित तुलसीदास जी ने उनको खुद को उसमें भी गंवार बताया है कि मैं तो गंवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो जब महान पंडित तुलसीदास जी खुद को गंवार बता रहे हैं तो फिर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अगर किसी संदर्भ में ये बोल दिया होगा तो उसको बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, वो बनाना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि इस तरह से छवि धूमिल करना, इस तरह से किसी एक पंडित के पीछे पड़ना कहाँ तक सही है दोस्तों, आप खुद बताइएगा। 2 अक्टूबर की ये थी, मैंने आज देखी तो मैंने सोचा कि आज इस पर कुछ बोला जाए, और बेवजह जो है उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कहाँ तक सही है, आप लोग ही मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।